ठीक है जी। तो वी विल स्टार्ट विद द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें कि कंप्यूटर जो हमारे पास है वो किस तरह से बना, तो ये सारी चीज़ें और उसके अंदर कौन कौन से अहम कंपोनेंट्स हैं, वी विल डिस्कस अपॉन इट। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास इज द मेन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, यानी इसी की वजह से तमाम चीज़ें आपके सिस्टम में परफॉर्म होती हैं। तो ये मेन हार्ट ऑफ द सिस्टम है। तो इसको हम इसको हार्ट ऑफ द सिस्टम, या हम बेटर इसको हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है हमारा, ये सारी चीज़ों को चला रहा होता है। द सीपीयू इज वेरी ऑफन इंस्टॉल्ड एज इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट हम कहते हैं कि एक ऐसा सर्किट, आईसी के बारे में आप लोगों ने सुना है, आईसी के बारे में इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये आईसी क्या काम करती है, आईसी ये काम करती है कि इससे पहले, आईसी से पहले लेट मी शो यू के आईसी किस तरह की होती है। तो अब अगर यहाँ देखें तो आईसी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, ये आपको नजर आ रही होगी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो बाकी तमाम जो भी हमारे पास कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी एक साथ परफॉर्म करता है, जैसे कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। हमारे पास आप लोगों ने सर्किट देखे होंगे, जैसे लेट सपोज मैं बताऊं आपको कि एक रेडियो सर्किट है। तो रेडियो जो सर्किट होता था वो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते थे। अगर आपने देखा हो तो रेडियो के सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनसाइड रेडियो अगर हम करें, रेडियो सर्किट, तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा। अब आप देखो ये जो सर्किट जितने भी नजर आते हैं, ये सर्किट आपको नजर आ रहा है, इस सर्किट में मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो कॉम्पोनेंट्स अलग अलग काम किया करते थे, इन सब का काम एक आईसी करने लगी। तो यहाँ पे ये बताता है कि इंटीग्रेटेड हम इसलिए कहते हैं कि एक ही चिप लगाते हैं, और एक ही चिप क्या कह रहा है, ऑन अ सिंगल माइक्रो चिप का मतलब है कि एक ही चिप लगाएंगे और वो एक ही चिप सारे काम कर रही होगी। अब यहाँ पे कहता है, सवाल आ सकता है कि भाई सीपीयू जो है उस सीपीयू में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो उस सीपीयू के अंदर क्या क्या हो सकता है, उस सीपीयू के अंदर सबसे पहले कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जैसे ट्रैफिक कॉप होता है ना, ट्रैफिक कॉप जिस तरह से काम करता है कि क्या करता है, वो डायरेक्शंस दे रहा होता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह क्या होता है, इसी तरह यहाँ पर ये होता है कि जो कंट्रोल यूनिट होता है वो तमाम जितने भी जो सिग्नल आ रहे होते हैं इनपुट एंड आउटपुट के, उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। तो एक तो ये चीज हो गई इसके अंदर। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, तो अब ये चीज आ गई। दूसरी चीज ये आ गई अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वो ऐसा हिस्सा है, एक सीपीयू का ऐसा हिस्सा है जहां पे तमाम कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही होती है। जितनी भी आपके सिस्टम में परफॉर्म होने वाली कैलकुलेशन है वो आपके पास कहाँ होती है, एएलयू में होती है। फिर उसके बाद एक चीज जो आती है वो आती है बसेस। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। इसकी एक डायग्राम आती है जिससे आपको ज्यादा इसका बेहतर अंदाजा हो सकता है कि जो ब्लॉक डायग्राम की अगर हम बात करें, पीसी का ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, मल्टीपल डायग्राम्स मिलेंगी, ठीक है, वो तकरीबन कुछ ना कुछ तरीके से मैच कर ही रही होती हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ कंट्रोल यूनिट नज़र आ रहा है, ठीक है, और रजिस्टर्स हैं, मेन मेमोरी है। एक डायग्राम मुझे और भी नज़र आई थी ये वाली, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे सीपीयू आ गया, कंट्रोल यूनिट, फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आ गया, और फिर इसका मेमोरी यूनिट आ गया। तो एक सीपीयू के अंदर ही, एक जो सीपीयू आप देख रहे होते हो उसके अंदर कंट्रोल यूनिट है, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट है और मेमोरी यूनिट है। इसमें जो कुछ ट्रांसफर हो रहा होता है, डाटा आना जाना जितना कुछ होता है वो आपका बसेस के जरिए होता है। तो बसेस क्या होती है, बसेस आर द सेट ऑफ वायर्स दैट आर यूज टू ट्रांसफर द डाटा। बसेस किस लिए इस्तेमाल होती है, बसेस इसलिए इस्तेमाल होती है कि आप डाटा को ट्रांसफर कर सको। तो ये तो इसके आपके पास एक सवाल आ सकता है, सीपीयू क्या है, सीपीयू के कॉम्पोनेंट्स क्या है। आप याद रखोगे सीपीयू के कॉम्पोनेंट है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स एंड बसेस। फिर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आ जाता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ये है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर एक साइंटिस्ट था वॉन, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज, इसको देख लेते हैं,
एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वो हिस्सा है आपके कंप्यूटर का जहां पे तमाम कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं। एयू में इतना ही पता होना जरूरी है आपको। एएलयू इज द एरिया वेयर ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स कैलकुलेशंस आर परफॉर्म, जहां पर जितनी भी आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिक कैलकुलेशंस है वो परफॉर्म होती हैं, उस हिस्से को हम एएलयू कहते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास जो एक चीज आती है वो यहाँ देख सकते हो कि बहुत सारे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, बहुत लेस चांस है बट दैट कुड बी डन कि तुम्हें ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर वाली जो है ना ये डायग्राम लेबल करने के लिए दे दें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की। अब उस वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हो, मैंने तीन चीजें तो आपको बताई थी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और उसके साथ साथ एक हिस्सा होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट डेफिनेटली वो एरिया होगा जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कराओगे। तो यहाँ आप देख सकते हो इसकी थोड़ी सी डिटेल डायग्राम है, वो पहले एक ब्लॉक डायग्राम थी, दिस इज द डिटेल डायग्राम ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो ये कहती है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में होता क्या है। देखो सबसे पहले हमने बात की अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसके अंदर एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक टुकड़ा वो होगा जहाँ पे तमाम कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी, कंट्रोल यूनिट वो हिस्सा जो तमाम बाकी हिस्सों को डायरेक्शन देगा। यहाँ आप देख सकते हो आपके पास एक चीज आएगी बसेस का, मैंने आपको बताया था कि बसेस आर द सेट ऑफ वायर यूज टू ट्रांसफर द डेटा, जैसे आपका जो डाटा ट्रांसफर होगा कंप्यूटर में, जो भी डाटा का ट्रांसफर होगा वो जाहिर है किसी सेट ऑफ वायर्स के जरिए ही होगा। तो उसकी मैं एग्जांपल्स आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ कि जब मैं सेट ऑफ वायर की बात कर रहा हूँ तो इस तरह से होता है। ये अगर आप इनसाइड कंप्यूटर देखो तो आपको कंप्यूटर इस तरह से जो हार्ड डिस्क हो गई मदरबोर्ड के साथ इन केबल्स के जरिए कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो आपका जितनी भी वायर्स हैं जो आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड को कनेक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी बसेस के तौर पे काम करती हैं, जो भी वायर्स हैं। तो आप कहते हो ना कि बसेस आर द सेट ऑफ वायर्स यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा, तो ये पूरा एक आपको सीपीयू नजर आ रहा है डिफरेंट, आपको ये भी जितनी भी डायग्राम एक नजर आ रही है, इस डायग्राम में जितनी भी तारें आपको नजर आ रही हैं उन सबकी सबको हम बसेस कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा, यू विल राइट इट डाउन दैट बसेस आर द सेट ऑफ वायर यूज टू ट्रांसफर द डेटा। एक मदरबोर्ड के अंदर जितनी भी तारें, जैसे ये देखो ये पिक्चर आपके सामने आ रही होगी, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो आप देखो ये जितनी भी आपको तारें नजर आ रही हैं, ये जितनी भी वायर्स, मेरे माउस को अगर आप फोकस करो तो ये जितनी भी वायर्स आपको नजर आ रही हैं सबकी सब बसेस कहलाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का जितना भी डाटा होगा वो ट्रांसफर तो करेगा। अब वो ट्रांसफर कहाँ करेगा, बोर्ड से लेकर हार्ड डिस्क की तरफ करेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज आती है रजिस्टर्स। हम कहते हैं कि रजिस्टर्स आर द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन सीपीयू। रजिस्टर्स आर टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन सीपीयू। तो रजिस्टर्स हमारे पास होते हैं MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, फिर इस तरह आता है MDR, मेमोरी डाटा रजिस्टर, फिर आता है प्रोग्राम काउंटर, फिर आता है CIR और फिर आता है एक्यूमुलेटर। तो ये पांच रजिस्टर्स हैं, आप ये पांच रजिस्टर्स याद रख सकते हो, आपसे पूछ सकता है, सवाल आया बता कि जो कंप्यूटर के रजिस्टर्स होते हैं उनका नाम लिखो, तो आप बता सकते हो MAR, MDR, CIR, PC और एक्यूमुलेटर। तो विद इन द CPU ये आपके पास कॉम्पोनेंट होते हैं, वन वन लाइन की डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकता है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ CPU की बात जो करें, जब भी आप पूछ भी रहते हैं मुझसे, मैंने आपको वैसे भी ये बता दिया है कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ CPU में कौन कौन से मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ CPU हैं। नंबर वन कंट्रोल यूनिट, नंबर टू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड नंबर थ्री सिस्टम क्लॉक। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की अगर हम बात करें तो ये वो हिस्सा होता है जहाँ पे तमाम प्लस माइनस मल्टीप्लाई शिफ्टिंग लॉजिकल एंड और ऑपरेशन ये सब के सब होते हैं। तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है आपका याद रखना कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज एन एरिया विच परफॉर्म्स द कैलकुलेशन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस, यहाँ तक काफ़ी है। फिर कंट्रोल यूनिट की अगर आप बात करो तो कंट्रोल यूनिट को अगर हम देखें तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है। ट्रैफिक कॉप का काम ये होता है कि सिग्नल्स को डायरेक्शन देता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इट रीड्स एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और एड्रेस ऑफ द लोकेशन वेयर द इंस्ट्रक्शन कैन बी फाउंड इज स्टोर्ड इन द प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो कि कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग, फॉर रीडिंग द डेटा एंड राइटिंग द डेटा, कि डेटा भेजना किसको है, डेटा रिसीव करना है और आगे किसको भेजना है, वो सारा का सारा काम आपका कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। तो आप इतना याद रख सकते हो कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द डेटा सिग्नल्स दैट कैन बी रीड और राइट। तो वो डेटा जो सिग्नल्स हो सकते हैं वो रीड और राइट दोनों हो सकते हैं। और बिसाइड्स कंट्रोल यूनिट एक बात ये भी देखता है, इंश्योर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा फ्लो। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा फ्लो का मतलब होता है, यहाँ सिंक का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा 4 बजे क्लास होगी तो 4 बजे मैंने क्लास स्टार्ट कर दी और एग्जैक्टली 4 बजे आप भी मुझे मिल गए यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी हम सिंक हो गए। सिंक का मतलब ये है कि सिग्नल्स का सेम क्लॉक के ऊपर ऑपरेट होना, यानी जो भी टाइमिंग सिग्नल्स चल रहे हैं, जो करंट टाइमिंग्स हैं उसके ऊपर तमाम सिग्नल्स का एक साथ ऑपरेट होना, वो सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है।
ठीक है, तो ये चीज भी आपको इसकी याद रखनी होगी। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 76 एंड देन 77। जस्ट अ मिनट, दिस वी डिस्कस। तो यहां तक हमने ये बात तो कर ली थी। तो इस डायग्राम के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अर्थमैटिक एंड कंट्रोल हमने किया, सिंक्रोनाइजेशन। अब यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, सिंक्रोनाइजेशन होगी कैसे? सिंक्रोनाइजेशन के लिए जरूरी है कि आप टाइमिंग सिग्नल्स के साथ मीट कर रहे हो, तो इसलिए आपके पास सिस्टम क्लॉक भी होती है जो इंश्योर करती है कि जो सिग्नल्स हैं वो सिंक्रोनाइज होके चलें। तो उसके लिए आपके पास एक सिस्टम क्लॉक का इस्तेमाल होता है और ये प्रोड्यूस करती है टाइमिंग सिग्नल ऑन द कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के साथ टाइमिंग सिग्नल भेजती है ताकि सिंक्रोनाइजेशन हो सके। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आपसे कहूँ कि जो है 4 बजे पहुंचना है, तो उसके लिए क्या होगा कि मैं 4 बजे अपनी भी घड़ी एग्जैक्टली चेक करूंगा और आप भी अपनी घड़ी को 4 बजे पे चेक कर लोगे कि अगर इन केस हमारी टाइमिंग्स आगे पीछे हैं, ठीक है, तो हम उसको मीट कर लें। तो ये चीज़ हमारे पास सिस्टम क्लॉक होती है। इसका काम क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस द टाइमिंग सिग्नल। सिस्टम क्लॉक टाइमिंग सिग्नल प्रोड्यूस करती है जो इंश्योर करती है कि सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। ठीक है, अब हम आगे चले जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इसमें एक चीज़ आती है कि जो रैम होती है, अच्छा एक बात याद रखना है कि जितना भी डाटा ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा मेमोरी से, यानी ये प्रोसेसर है, अगर डाटा का जो ट्रांसफ़र है ना वो हमेशा दो चीज़ों के दरमियान चलता है, डाटा टाइमली पहुँचे। एग्जैक्टली, यानी सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी डाटा हो वो एक्यूरेटली आपके पास टाइमली पहुँच जाए। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक चीज है, लेट मी शो यू हाउ दिस विल वर्क्स, कि जितना भी यहाँ पर काम हो रहा होता है ना उसके अंदर ये दो चीजें बड़ी अहम होती हैं, एक आपका प्रोसेसर होता है और एक आपकी मेमोरी होती है। तो जितना कुछ भी ट्रांसफर ऑफ डाटा होता है या जो कुछ होता है, प्रोसेसर को कुछ भी चाहिए होता है ना, ठीक है, तो जितना कुछ भी डाटा होता है वो हमेशा फेच कराया जाता है मेमोरी से और फिर फेच कराने के बाद लेके जाया जाता है। अब आपने जैसे पढ़ा होगा यहाँ पे बसेस के बारे में, तो ये जो मैंने एक एरो बनाया ये मेरी एड्रेस बस है, ठीक है, फिर इसी तरह जो मैं दूसरी बनाऊंगा दो एरोस के साथ वो कौन सी होगी, कोई बताएगा? अगर मैं दो एरो यहाँ पे बना रहा हूँ, एक एरो का मतलब होता है कि प्रोसेसर से डेटा सिर्फ एड्रेस लेके जा रहा है मेमोरी की तरफ, प्रोसेसर को कुछ चाहिए और प्रोसेसर वो डेटा लेके जा रहा है। ऑन दी अदर साइड यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये वाली जो बस आएगी ये आपके पास कहलाएगी डेटा बस। डेटा बस का मतलब ये होता है कि डेटा इन बोथ डायरेक्शन ट्रेवल करेगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है कंट्रोल बस, और कंट्रोल बस भी आपके पास बाय डायरेक्शनल होती है। यहाँ पे इसके साथ और कंपोनेंट्स भी अगर हम लगाएं, तो इसमें इनपुट आउटपुट का कॉम्पोनेंट भी अगर हम लगा देते हैं तो इनपुट आउटपुट कॉम्पोनेंट से भी जो मैच करती है वो चीज, वो यहाँ पर होती है हमारे पास कंट्रोल बस। तो जो वाइटल चीज होती है यहाँ पे वो ये होती है कि रैम की अगर हम बात करें, जैसे रैम होती है टेम्परेरी मेमोरी और वो होल्ड करती है डाटा जो सीपीयू एक्सेस करवा रहा होता है। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है कि रैम होल्ड्स ऑल द डाटा एंड प्रोग्राम्स नीडेड टू एक्सेस बाय द सीपीयू। जितना कुछ डाटा रखती है वो कौन रखती है, वो आपके पास रैम रखती है और वही डाटा फैच होके प्रोसेसर की तरफ जाता है। एड्रेस क्या करता है, एड्रेस का मतलब ये है कि हर मेमोरी का अपना एड्रेस है। जैसे ये एक मेमोरी आपके सामने मौजूद है, ये आपके सामने मेमोरी मौजूद है, इस मेमोरी पे डाटा, लेट्स सपोज एक डाटा इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, एड्रेस तो जरूरी है, दूसरा डाटा का एड्रेस जो है वो ये है, लेट्स सपोज ये एक आ गया, इसको मैं यहाँ 01 कर दिया ना, तो इसको 10 कर देता हूँ,
तो डाटा तो कहीं ना कहीं एड्रेस पे रखा होगा ना, तो उस डाटा को एड्रेस से उठाने का जो काम करती है वो एड्रेस बस करती है। तो ये आप कह सकते हो इज अ पोर्शन ऑफ मेमोरी रैम जहाँ पे डाटा मौजूद होता है, और वो डाटा एक्सेस बाय द प्रोसेसर होता है। तो एक तो ये चीज आ गई। तो कहते हैं कि द रैम इज ऑफन रेफर्स टू एन इमीडिएट एक्सेस स्टोर। यहाँ पे इसको इमीडिएट एक्सेस स्टोर वो इसलिए कह रहा है कि जैसे ही फॉरन कैलकुलेशन के लिए कोई भी चीज आती है उसको उठा के कहाँ रख दिया जाता है, इमीडिएट एक्सेस स्टोर में रख दिया जाता है। तो कहते हैं द सीपीयू टेक्स डाटा इन प्रोग्राम हेल्ड इन बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस। वो कह रहा है जो नॉर्मली आपका डाटा होता है वो कहाँ पड़ा होता है, हार्ड डिस्क में। अब आपको एक बात समझनी होगी, आपका डाटा हमेशा उठाया हार्ड डिस्क से जाता है और उसको लाके रैम में रखा जाता है। उसकी एग्जाम्पल है कि मेरे पास अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम मेरी हार्ड ड्राइव में स्टोर हुआ हुआ है। चलो उसको छोड़ो, अगर मैं कहता हूँ ये मेरी हार्ड ड्राइव है, मैं यहाँ पे गया और मैं लेट सपोज ये मेरी फाइल थी, एक फाइल साइज कैलकुलेशन, ये एक फाइल है, ये फाइल करंटली मेरे पास अवेलेबल है अभी मेरे ड्राइव में, जैसे ई ड्राइव में मौजूद है, ई ड्राइव में ये कैम्ब्रिज की बुक है। अभी अगर मैं यहाँ पे ऑल्टर कंट्रोल डिलीट करूँ तो मेरे पास टास्क मैनेजर में फॉक्स एडिटर आ रहा है। मैंने फॉक्स एडिटर में किया यहाँ से, तो ये शो करेगा मोर डिटेल्स और मुझे बताएगा अभी करंटली मेरे पास क्या क्या चीज़ें चल रही है। अज्यूमिंग अगर मैं यहाँ से गूगल क्रोम बंद कर दूंगा तो गूगल क्रोम बंद हो जाएगा। अच्छा, ये फॉक्स एडिटर चल रहा है मेरे पास। अब मैं अगर यहाँ से अभी फॉक्स एडिटर को देखो, वो ले रहा है 60.3 MB की मेमोरी ले रहा है। मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, इस डबल क्लिक करने का मतलब ये है कि मैं इसको, ये जो फाइल है, इसे हार्ड डिस्क से उठा के कंप्यूटर की मेमोरी रैम में लोड करवा रहा हूँ। ये थोड़ा सा लोड हुआ और ये सामने मेरे पास ये बुक आ गई। अब जहाँ पे वो 16.3 समथिंग ले रहा था, अब 67.5 हो गया। इसका मतलब है कोई भी डाटा जो आपको चाहिए होता है कंप्यूटर में चलाने के लिए, वो आप हमेशा रैम से लेके आते हो, आप हार्ड डिस्क से लेके आते हो एंड देन यू स्टोर इट इन अ रैम, क्योंकि रैम जो होती है वो करंटली डाटा प्रोसेस है उसको रख रही होती है। अभी मेरे पास जो भी क्रोम खुला हुआ है, ये क्रोम का जो भी डाटा खुला हुआ है यहाँ पे, अब ये जो भी स्पेस ले रहा है, मैं यहाँ पर अगर इसको बंद करूंगा 54.7 समथिंग ले रहा है। मैंने एंड टास्क किया, गूगल क्रोम यहाँ से बंद हो गया और मेरे सीपीयू की यूसेज भी कम हो गई और मेमोरी की यूसेज भी कम हो गई। तो आपको याद रखना होगा कि जो भी डाटा होता है वो हमेशा, सर जब फॉरेन से आती है, क्या चीज़ फॉरेन से आती है भाई, फॉरेन से क्या चीज़, मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ ये बात कि यहाँ पे आपको ये बताया गया कि जो भी डाटा आप उठाते हो वो हमेशा डाटा मौजूद होता है आपकी बैकिंग स्टोरेज डिवाइस में, और उसको उठा के जहाँ सबसे पहले रखा जाता है तो वो रैम में रखा जाता है। एंड देन यू से रैम एज द IaaS, रैम जो होता है फिर वो IaaS यानी इमीडिएट एक्सेस स्टोर होती है। अगर कैलकुलेट करना हो तो जो भी कैलकुलेशन करनी होती है तो कैलकुलेशन वाला पार्ट भी उठा के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में डाल दिया जाता है। तो ये वाला इसके बाद हो गई। अब इसमें एम पॉइंट है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के बारे में शॉर्ट छोटी सी चीजें पूछी जा सकती है कि भाई रजिस्टर है क्या चीज। रजिस्टर मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर्स आर द टेम्पररी स्टोरेज एरिया विद इन द सीपीयू। आप अपने पास लिख सकते हो कि रजिस्टर्स आर द टेम्पररी स्टोरेज एरिया विद इन द सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो टेम्पररी स्टोरेज एरिया है वो रजिस्टर है। इमीजिएट एक्सेस ईमान ये है कि जो डाटा हार्ड डिस्क से उठा के, यहाँ देखो लिखा हुआ है द रैम होल्ड्स ऑल द डाटा इन प्रोग्राम। रैम सारा का सारा डाटा और प्रोग्राम रखती है। रैम इज ऑफन रेफर टू एज इमीजिएट एक्सेस स्टोर। तो इमीजिएट एक्सेस स्टोर क्या करता है, वो ऑल द डाटा एंड प्रोग्राम्स नीडेड टू बी एक्सेस बाय द सीपीयू। तो इसको आप इस तरह से लिखोगे कि सीपीयू टेक्स द डाटा एंड प्रोग्राम हेल्ड इन बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस एंड व्हेन दैट डाटा इज टेकन फ्रॉम द हार्ड डिस्क इट विल कैप इन द रैम देन प्रोसेस ऑल दैट डाटा। ठीक है, तो रजिस्टर्स के बारे में आप लिख लो कि रजिस्टर्स आर द टेम्पररी स्टोरेज एरिया विद इन द सीपीयू। रजिस्टर्स आर द टेम्पररी स्टोरेज एरिया विद इन द सीपीयू। तो ये टेम्पररी स्टोरेज देता है रजिस्टर्स विद इन द सीपीयू, डेटा उठा के रैम में कर देता है। बेटा हार्ड डिस्क में डेटा सबसे पहले मौजूद होता है, आप इतना याद रखो कि डेटा जो होता है वो आपके हार्ड डिस्क में मौजूद होता है, और हार्ड डिस्क से उसको जब प्रोसेस करना होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क खुद प्रोसेस नहीं कर सकती, इसलिए आपको उसको उठा के किस में डालना पड़ता है, रैम में डालना पड़ता है। तो अच्छा जी, अब हम बात करते हैं विद टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स की भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, ये आपको याद रखनी है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, वी विल सी के वो क्या क्या काम करती हैं। तो एक एक लाइन का तो आपको इसको याद रखना होगा।
जैसे कि सबसे पहले एक चीज आती है MAR, वैसे तो यहाँ जो भी दी गई है हम इसको बात करेंगे कि ये किस किस तरह से होती है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज आएगी वो आएगी MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यहाँ से इस टेबल को देख लेते हैं, रजिस्टर आर दैट टेम्पररी स्टोरेज एरिया विद इन द सीपीयू, ये इसकी डेफिनेशन है कि रजिस्टर आर द टेम्पररी स्टोरेज एरिया विद द सीपीयू। आगे देखते हैं, आगे जो मैं बात बता रहा हूँ कि रजिस्टर्स कितनी तरह के होते हैं, उसमें से पहला एक रजिस्टर याद करो, नंबर वन सबसे पहले आप याद रखोगे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में यही बात आपको बता रहा हूँ कि आपको जब भी डाटा उठाना होगा आप डाटा हमेशा कहाँ से उठाओगे, रैम से उठाओगे, और रैम का कोई ना कोई एड्रेस होता है, तो वो जो डाटा उठाओगे ये जो डाटा है 1001 और 001 इसके आगे जीरो लगा दो, तो ये जो बिट्स उठ के आएंगी इसको जो लाने का जिम्मेदार होगा वो कौन सा होगा, MAR। तो आप याद रखना कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, MAR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डाटा, यानी MAR जो होता है ना वो एड्रेस रखता है जो प्रोसेसर से मंगवाना होता है, जो प्रोसेसर मंगवाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, दिस रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस उठाता है करंटली बीइंग रीड फ्रॉम और रिटर्न टू, यानी जिसमें से डाटा रीड करना है या राइट करना है वो जो एड्रेस होता है वो MAR लेके जाता है। इसको ऐसे समझ लो कि MAR तुम्हारा पोस्ट ऑफिस वो होता है ना, पोस्टमैन को पता होता है कि मुझे इस एरिया में जाना है, उसके पास वो एड्रेस होता है। इसी तरह MAR वो होता है जिसके पास एड्रेस होता है कि डाटा कहाँ से उठाना है, यानी MAR के अंदर वो टेम्प्रेरी एरिया होता है जहां से वो डाटा, जो डाटा उसको उठाना होता है उसका एड्रेस पड़ा हुआ होता है। अच्छा, वही पोस्टमैन अपने साथ कोई ना कोई गाड़ी लेके चलता है, जैसे दराज वाले जो होते हैं अपने साथ गाड़ी लेके चलते हैं सामान के लिए, और उसमें जो बंदा आगे बैठा होता है उसके पास तमाम एड्रेसेस मौजूद होते हैं। तो अब इसका मतलब ये कि जो डेटा है जो ट्रांसपोर्ट होगा, यानी सबसे पहले तो ऐसा हुआ, इसको ऐसे समझो कि आपका डेटा यहाँ रखा हुआ था, यानी प्रोसेसर को कुछ प्रोसेस करना था, उसने MAR के अंदर, उसने MAR में डाला 1001001, ये जब डाला उसने तो क्या हुआ, प्रोसेसर ने जब डेटा एड्रेस भेजा तो उस एड्रेस के ऊपर कोई ना कोई डेटा मौजूद होगा ना, उस पर कोई डेटा भी मौजूद होगा। अब ये जो डेटा मौजूद है ये डेटा कहाँ रख के लेके जाया जाएगा, MDR में, क्योंकि ये डेटा है। तो एड्रेस रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस होता है उस डेटा का जिसको उठा के लाना है, और MDR में वो डेटा खुद होता है जिसको उठा के लाया जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि MDR में क्या हो सकता है, MDR में हो सकता है 1011001, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ डाटा। एग्जैक्टली, तो MAR क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कंटेन द स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन के डाटा किस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है वो MAR है, और फिर उस मेमोरी लोकेशन पर पहुंच कर जो डाटा उठाया जाता है वो MDR, जो डाटा होगा वो डाटा रजिस्टर MDR से जाएगा। This register stores data which has been just read from memory, which is about to be returned to memory. जो डेटा आपने उठाया है और उठा के प्रोसेसर में प्रोसेस करने के लिए लाए हो वो सारा का सारा डेटा किसमें होता है, MDR के अंदर। MAR में एड्रेस होता है, MAR में डेटा नहीं होता, MAR में एड्रेस होता है, एड्रेस उठा के लेके आना। जैसे एक ऐसा समझ लो कि मैंने आपके हाथ में एक पर्ची दी और उस पर्ची के ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ है, इसका मतलब वो पर्ची MAR हो गई। उसके बाद मैंने आपके हाथ में एक डब्बा दिया और उस डब्बे के अंदर वो डेटा था जो आपको वहां पहुंचाना था, तो ये डब्बा आपके पास अब क्या हो गया, MDR हो गया। एड्रेस वो पर्ची है जो मैंने आपको दी है और उस एड्रेस पर पहुंचाने के लिए जो डब्बा है वो MDR है, ठीक है। डेटा MDR जो होती है वो डेटा को कंटेन करता है, MAR जो होता है वो एड्रेस को कंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद यही काम जैसे पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो डिलीवरी कर रहे होते हैं, तो वो एक जगह तो जाते हैं या वो कई जगह जाते हैं। लेट सपोज एक डिलीवरी वाले को आज के दिन में चार जगह पे सामान पहुंचाना है, तो जाहिर है वो सबसे पहली लिस्ट को देखेगा जो करीब होगी और उस लिस्ट के जरिए वो उस घर पे पहुंच जाएगा। जब वो पहले घर पे पहुंचेगा तो इसका मतलब है अभी वो कहाँ मौजूद होगा, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी वो जो अभी चल रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं द रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड, तो CIR जो होता है ना करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसके अंदर जो करंटली डाटा बीइंग प्रोसेस्ड है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड है वो किसके अंदर होता है, CIR के अंदर। तो आप लिख सकते हो कि CIR कंटेन्स द डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस, तो आप लिख सकते हो CIR कंटेन्स डाटा
करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, जो करंटली डाटा चल रहा होता है वो उठा के सी आई आर में डाला जाता है। अब तक मैंने बात की है एम ए आर, एम ए आर के जरिए उस एड्रेस पे पहुंचे जहां डाटा पड़ा हुआ था, उसके बाद एम डी आर के जरिए वो जो डाटा पड़ा हुआ था उसको उठा के लाए, उसके बाद सी आई आर के जरिए उस डाटा को अब हमने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, डीकोड और एग्जीक्यूट, यानी जो डाटा उठा के लाए हैं उसको डीकोड कर रहे हैं ताकि वो हमारी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाए। फिर क्या होता है, जब कोई एक टास्क परफॉर्म हो जाता है, जब कोई एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाती है, तो फिर उसका जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे आप एक क्लास मेरी अभी ले रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। एम ए आर में क्या हुआ, आपको पता था कि यार सर की क्लास होनी है, तो सर की क्लास होने के लिए एम ए आर का मतलब है आपके पास क्लास का लिंक होना चाहिए था, क्लास का लिंक था, सही है। डाटा का मतलब है सर पढ़ाएंगे क्या, वो एम डी आर हो गया। सी आई आर करंटली क्या पढ़ा रहे हैं। अब जब मेरी क्लास ये इंस्ट्रक्शन सब मुकम्मल हो जाएगी और आप किसी दूसरी क्लास को स्टार्ट करने के लिए जाओगे तो आपके पीसी में प्लस वन हो जाएगा, यानी आपने एक क्लास ले ली है, देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पीसी ये कहता है कि दिस रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रीड एंड फाउंड। आपको अभी पता है कि आपको अगली क्लास लेने के लिए कहाँ कब जाना है, तो जो कहाँ जाना है वो एम ए आर है, क्या लेके जाना है, फिजिक्स की क्लास है या केमिस्ट्री की क्लास है, तो उसकी बुक किताब जो भी लेके जानी है। वहां पहुंच जाओगे तो वो जो पढ़ाएंगे वो सी आई आर होगा। कोई आपसे पूछेगा क्या पढ़ लो अभी, आप बोलोगे यार फिजिक्स पढ़ लो, और जब वो क्लास खत्म हो जाएगी तो आपके पीसी में एक का इजाफा हो जाएगा। तो कंप्यूटर सीपीयू में भी ऐसा ही हो रहा होता है कि आप हो जाएंगे प्लस, इस तरह से प्लस वन होता जाएगा। तो आपको मैंने एम ए आर बताया, एम डी आर बताया और सी आई आर बताया। तो एम ए आर पहला था, एम डी आर दूसरा था, और सी आई आर तीसरा था, टीसी जो है वो चौथा है, आता है ये फेच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर, इसके एक टेबल आते हैं, तभी मैं तुम्हें सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, देखो इसमें तो टेबल में जैसे लिखा है वैसे नहीं पढ़ा रहा, मैं सीक्वेंस इसलिए दे रहा हूँ कि जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की फेच एग्जीक्यूट साइकिल है वो यही है, एम ए आर, एम डी आर, सी आई आर, पी सी प्लस वन, ये इस तरह से चलती है, ठीक है। तो पी सी के अंदर कहता है, हाँ क्लास ये तीन मिनट में हो रही है, मैं टॉपिक खत्म करूंगा, देन यू आर गोइंग टू रिजॉइन। तो पीसी के बारे में बता रहा हूँ, हमेशा पीसी में याद रखना कि द रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रीड, जो अगली इंस्ट्रक्शन रीड करनी है वो प्रोग्राम काउंटर में होनी चाहिए। और अक्यूमुलेटर वो जगह है जहां पर हमेशा जो भी कैलकुलेशन करने के लिए लाते हो, जो भी कहा, जैसे दिस रजिस्टर इज यूज व्हेन कैरिंग आउट एएलयू, जब भी आप कैलकुलेशन करने के लिए जाते हो उस कैलकुलेशन का सारा डेटा आप कहां ले जाके रखते हो, एएलयू। तो ALU ऐसे सब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट स्टोर्स डाटा टेम्परेरीली ड्यूरिंग कैलकुलेशन। तो जितनी भी कैलकुलेशन विद इन द कंप्यूटर है उस सब को जो करते हो वो आप अक्यूमुलेटर में कर दो, कंफ्यूज मत होना। ALU एक बड़ी जगह है, ALU ऐसे समझ लो कि आपका कोई अकाउंटेंट का रूम है, उस अकाउंटेंट के रूम के अंदर कैलकुलेशन होती है, उसमें से अक्यूमुलेटर एक छोटा सा पार्ट है जहां पे जो भी कैलकुलेशन होती है उस कैलकुलेशन को जो भी परफॉर्म करना होता है, यानी जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है उसका आप सारा का सारा डाटा उठा के अक्यूमुलेटर में रखते हैं। ALU इज अ बिगर पार्ट, ALU तो एक पूरा यूनिट है, ALU इज जस्ट लाइक एन हाउस, उसके अंदर जो एक कमरा है वो तुम्हारा अक्यूमुलेटर है। तो इतना याद रखोगे कि अक्यूमुलेटर वो एरिया है जो डाटा को टेम्परेरीली ड्यूरिंग कैलकुलेशन के लिए, यानी डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करता है ड्यूरिंग कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसको यहीं रखते हैं, देन यू आर गोइंग टू रिजॉइन द क्लास, फिर हम बसेस एंड मेमोरी की तरफ आते हैं।